नमस्ते, मैं मधु आप सबका एक नए शो में स्वागत करने आई हूँ। फिल्मों में तो आपने मुझे देखा ही होगा, फूल और कांटे, पहचान और रोजा जैसी फिल्म शायद आज भी आपके जहन में हो। लेकिन आज मैं फिल्मों के बारे में बात करने नहीं आई हूँ, बल्कि उन बच्चों के बारे में बात करने आई हूँ जिन्हें वीरता के लिए सम्मानित किया जाता है। बच्चे, कितना मासूम और प्यारा है ना ये शब्द। बच्चे मन के सच्चे, बच्चे भगवान की मूरत और पता नहीं क्या क्या नहीं कहते बच्चों के बारे में। बच्चे बेहद खास होते हैं, इसलिए इंसान अपनी जिंदगी की शुरुआत एक बच्चे की शक्ल में करता है। महाराणा प्रताप, शिवाजी, भगत सिंह, रानी लक्ष्मीबाई, ये भी तो कभी बच्चे थे, लेकिन बड़े होकर इन्होंने अपना और देश का नाम इतना रोशन किया कि आज भी पूरी दुनिया उन्हें सल्यूट करती है। बच्चे यूं तो छोटे होते हैं, लेकिन अक्सर ऐसे बड़े बड़े कारनामे कर गुजरते हैं जिन्हें देखकर किसी को भी गर्व हो। मैं मधु आपके लिए बच्चों से जुड़ा एक ऐसा ही खास शो लेके आई जिसे देखकर आपको छोटे बच्चों की बड़ी ताकत का अंदाजा हो जाएगा। इस बेहद खास शो में हम उन बच्चों की कहानियां सुनाएंगे जिन्होंने अपनी बहादुरी और हिम्मत से ना सिर्फ बड़े बड़ों से बढ़कर काम किया बल्कि वीर बालक का सम्मान भी हासिल किया। बालक के जरिए हम देश भर के बच्चों की बहादुरी की कहानियां आपके सामने रखेंगे और दिखाएंगे कैसे विपरीत परिस्थितियों में भी इन बच्चों ने अपनी हिम्मत और सूझबूझ के जरिए साहस का एक नया इतिहास रचा। हमारी पहली कहानी है मुंबई की एक मासूम बच्ची की। 11 साल की लड़की से आप क्या उम्मीद रखेंगे, यही ना कि वो खेल कूद में बिजी रहेगी, पढ़ाई करेगी और दूसरे बच्चों की तरह खाने पीने की शौकीन रहेगी। लेकिन इस बच्ची ने जो किया उसे सुनकर आपका सर गर्व से ऊंचा हो जाएगा। 11 साल की इस लड़की अंतरा ने जो कुछ किया वो साहस और समझबूझ की मिसाल है। मुंबई में रहने वाले इस लड़की के पिता हैं मशहूर टीवी कलाकार राजू श्रीवास्तव, जिन्होंने खूब नाम कमाया, लेकिन उनकी बेटी ने अपने कारनामे से उनका सम्मान और भी बढ़ा दिया। कितना शोर मचाते हो बाबा तुम लोग, चलो जाओ यहाँ से, इधर नहीं खेलो। मगर भैयालाल भैया, अगर हम इधर नहीं खेलेंगे तो किधर खेलेंगे? अरे बेबी, तुम लोग इधर खेलोगे तो हम अपना काम कैसे करेंगे? काम करोगे या पान मसाला खाओगे? अरे तो ये खेलने की जगह नहीं ना है, ये आने जाने का रास्ता है, चलो जाओ यहाँ से। नहीं तो हम तुम्हारी मम्मी से कह देंगे। ठीक है भैया लाल भैया, अब तो हम जा रहे हैं, लेकिन आपको ऊपर वाला नहीं छोड़ेगा। हाँ ठीक है, चलो चलो चलो। ऊपर वाला नहीं छोड़ेगा। अंतरा बेबी, हम जानते ही हैं बिना बरसात के बारिश आप ही की है, आपने हमारे साथ अच्छा नहीं किया, आ जाने दो आपके पापा को, हम सारी शिकायत करेंगे आपकी उनसे।
अंतरा। क्या हुआ, तुम इतनी हंस क्यों रही हो? बस ऐसे ही मम्मा के चले। क्या बदमाशी की तुमने? कुछ नहीं मम्मी। अंतरा तुम्हें कितनी बार समझाया ना बेटा कि तुम बड़ी हो रही हो। अच्छा चलो अब जल्दी से तैयार हो जाओ, मम्मी के साथ में बाजार जाना है सब्जियां लाने के लिए। नहीं मम्मा, मुझे अपने दोस्तों के साथ खेलना है। अंतरा मम्मी की हेल्प करनी चाहिए ना, चलो जल्दी करो। मम्मा प्लीज। कोई बहाना नहीं, चलो जल्दी करो, चलो जल्दी आओ। अच्छे बच्चे, चलो हाथ पकड़ो फटाफट, चलो आओ चलो। ओफो ये लिफ्ट आज भी फिर खराब होगी, चलो अब सीढ़ियों से जाएंगे। क्या मम्मी? चलो। नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा। नमस्ते। इस बार बहुत मजा आया, उसे बहुत बढ़िया लेसन दिया तुमने। अरे अब तो उसमें पानी गिरा है, अगली बार देखता हूँ उसे क्या हाल करती हूँ। अंतरा तुम लोग क्या फुसफुसा की बातें कर रही हो, चलो आओ जल्दी। हाँ बाय। चल बाय। भाई फ्लावर कैसे दिया? 60 रुपया किलो। 60 रुपया किलो? हाँ, 30 रुपए में तो मिलती है। 50 रुपया आएगा, उससे कम नहीं आएगा। चलो 1 किलो लगा दो, ये कोथमीर भी डाल दो। आओ चलो। भैया कैप्सिकम कैसे दिया? 40 रुपए किलो मैडम। ठीक है आ गया, और जल्दी जाओ टमाटर की गोली लेकर आना, और उसमें 5 किलो कांदा भी लेना, और संभाल कर आना। कैप्सिकम कैसे? रुको, आपको शर्म नहीं आती? एक बच्चे से काम करवा रहे हो, उसकी उम्र ये बोझा उठाने की नहीं है, स्कूल का बैग उठाने की है। बच्चे कमाएगा नहीं तो खाएगा क्या? वो कुछ खाए या ना खाए आपको झील की हवा जरूर खानी पड़ेगी। सही तो कह रहे हैं ये बच्ची, बच्चे से काम करवाते हैं शर्म नहीं आती क्या? हमारे देश में बच्चों से काम करवाना अपराध है, आज की बात किसी बच्चे से काम करवाया ना तो चाइल्ड हेल्पलाइन में आपकी कंप्लेन कर दूंगी। चलो मम्मी क्या सब्जी नहीं लेंगे? चल तू इधर आ। ऑटो वाले भैया दिख ही नहीं रहे। मम्मी आपने कोड चेंज किया है क्या? ओफो चलो। वो देखो ऑटो भैया उससे बात करो। भैया ओशिवारा चलेंगे? भैया ओशिवारा चलेंगे? गैस खत्म है मैडम। भैया चलिए ना प्लीज, कितना सारा सामान है और छोटी बच्ची भी है, कितनी देर से ऑटो के लिए परेशान है। भैया चलिए ना, एडजस्ट हो जाता है तो। मम्मी इसका लॉक खोलो ना। अंतरा तुझे पता है ना हम ऑटो के लिए कब से परेशान है, और तुझे मोबाइल से गेम खेलना है, रुक जरा। भैया चलिए ना। बोला ना मैडम गैस खत्म हो गया है। भैया देखिए ना एडजस्ट होता है तो, प्लीज चलिए ना भैया। भैया चलिए ना प्लीज भैया, कितने देर से परेशान है भैया। बोला ना मैडम गैस खत्म हो गया है। हेलो पुलिस कंट्रोल रूम, हाँ हम लोग यहाँ पे कब से ऑटो का वेट कर रहे हैं, कोई ऑटो वाला सुन ही नहीं रहा है। एक अंकल है पर वो न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। नंबर? हाँ बताती हूँ, MS 0। हाँ अंकल वो मान गए हैं। चलो मम्मी आओ। फोन तो लॉक था ना, तूने कॉल कैसे किया? मम्मी मैं तो कॉल किया ही नहीं था, मैं तो बस झूठ मूठ की एक्टिंग कर रही थी, इसे चल पड़ी। अच्छा तो मेरी गुड़िया रानी ने यहाँ पे भी कारनामा कर दिया। मम्मी अब तो बोल बोल के। अंतरा थोड़ी शरारती और नटखट थी,
जैसे इस उम्र के सारे बच्चे होते हैं। लेकिन उसमें एक बहुत बड़ी खूबी थी, वो काफी समझदार थी। अगर आपका बच्चा शैतानी करता हो, इसका ये मतलब तो नहीं कि उसके अंदर समझ ही नहीं है, या फिर वो विपरीत परिस्थितियों का मुकाबला नहीं कर सकता। बच्चों के साथ प्यार से पेश आना चाहिए, उनका हौसला बढ़ाना चाहिए, जैसे अंतरा की माँ ने उसके साथ किया। अंतरा मासूम जरूर थी, जो कुछ भी गलत बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, लेकिन उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उस वक्त उसके सर पर एक बहुत बड़ी मुसीबत मंडरा रही है। ये मैडम अभी तक सो रही है। अंतरा उठो बेटा, दोपहर हो गई है और पापा आने वाले, पता है ना। चलो चलो जल्दी उठो। आने दो ना पापा को, तुम कितना ब्यूटीफुल ड्रीम देख रहे थे। ओफो अंतरा, ये मैडम ना आजकल दोपहर में भी ब्यूटीफुल ड्रीम देख रही है, और पढ़ना लिखना मत। क्यों, चलो उठो जल्दी। कितना सारा काम करना है, साफ सफाई है, कपड़े धोने हैं, और भी कितना। अंतरा फिर सो गई। अंतरा अंतरा क्या कर रही हो, उठो ना बेटा, दोपहर हो गई है और आप अभी तक सोई पड़ी हो। पता है ना पापा आने वाले हैं, क्या सोचेंगे पापा। हाँ कुछ नहीं सोचेंगे पापा, आपने ड्रीम सुना। अंतरा कितना अच्छा, चलो बताओ क्या है तुम्हारा ड्रीम। मैंने देखा कि मैं पापा की तरह मशहूर हो गई हूँ और लोग मुझसे ऑटोग्राफ मांग रहे थे। क्या बात है, बड़ी बड़ी बातें। क्यों मैं ऐसा नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती है, जरूर कर सकती है मेरी गुड़िया। That's the spirit. Love you, mama. I love you too, मेरा बच्चा। अब एक काम करो, जल्दी से तैयार हो जाओ, पापा आने वाले हैं ना। मेरा बच्चा। अरे अरे सुनिए भाई साहब, किससे मिलना है, कहाँ मुंह उठाए चले जा रहे हो आप लोग। जी हमें राजू जी के घर जाना था। हाँ तो ये कहिए ना कि राजू श्रीवास्तव जी के घर जाना है। जी माफी चाहते हैं, जल्दी जल्दी मैं आपको बताना भूल गए। काम का है वो, राजू जी ने कुछ ड्रेसेस ऑर्डर की थी, उसी की डिलीवरी देने आए। लेकिन राजू जी तो घर पे नहीं है, वो तो शो करने के लिए बाहर गए हैं, आज शाम तक शायद आ जाएंगे। घर पे कोई तो होगा। हाँ है, क्यों नहीं, भाभी जी हैं वो। ठीक है, भाभी जी को दिखा के ड्रेसेस फाइनल कर लेते हैं। क्यों भाई, ठीक है। परसों तो हम लोग आए थे यार, आपने देखा तो था। जी हाँ हाँ ठीक है आप लोग जाइए। जी धन्यवाद। और तुम लोग कैसे हो। चलो अच्छी बात है, डिनर के लिए मैं बताती हूँ, ये शाम को ही आने वाले ना, थके होंगे तो। एक मिनट ना अंतरा, बेटा देखो जरा कौन है दरवाजे पे, जल्दी जाओ। अच्छा ठीक है। अंतरा सुना नहीं क्या बेटा, देखो तो सही कौन है दरवाजे पे, जल्दी जाओ। मैं काम करती हूँ, दरवाजे पे कोई है, मैं फोन करती हूँ मैं, ठीक है। हाँ ठीक है, हाँ हाँ जी, कहिए क्या काम है। जी मैडम, राजू जी का घर यही है। जी हाँ बोलिए। एक्चुअली मैडम हम डिजाइनर्स हैं, राजू जी ने कुछ ड्रेसेस ऑर्डर की थी, उसी की डिलीवरी देने आए। राजू जी तो घर पर नहीं है, वो शाम को आएंगे। लेकिन मैडम आप भी फाइनल कर सकती है ना। मैं कैसे फाइनल कर सकती हूँ जब वो घर पर नहीं है तो, और वैसे भी फिटिंग तो उनको ही चेक करनी है ना। जी मैडम आप एक बार डिजाइन तो देखिए ना मैडम। लेकिन मैंने कहा ना कि मैं देख के क्या करूँगी जब वो घर पर नहीं है तो। एक काम करिएगा आप, प्लीज कल आइएगा, वैसे भी राजू जी घर पर नहीं है तो, और मुझे बहुत काम है वैसे भी, ठीक है।
मैडम बहुत दूर से आए हैं मैडम, गर्मी बहुत है, एक गिलास पानी पिला दीजिए मैडम प्लीज मैडम। ठीक है आई। थैंक यू मैडम, थैंक यू। आप लोग बैठिए मैं पानी लेकर आता हूं। थैंक यू मैडम, थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। राजू जी तो आजकल बहुत बिजी रहते होंगे ना? जी हाँ, काम तो करना ही पड़ेगा ना। अरे राजू जी बहुत बड़े स्टार हैं, पैसे भी तो बहुत मिलते होंगे। जी भगवान की कृपा है, दाल रोटी चल जाती है। अरे कॉमेडी के किंग है वो तो। अरे एक शो के लाखों रुपए लेते होंगे, लाखों, है ना मैडम? जी हाँ वो तो है। आप लोग डिजाइनर हैं कि इनकम की पड़ताल करने आए हैं? आपने पानी पी लिया ना, अब चलिए। पानी से क्या होगा मैडम, अभी असली काम तो बाकी है। काम? कैसा काम? इनकम की पड़ताल का। मतलब उससे आप लोगों को क्या लेना देना? क्योंकि हम वही तो लेने आए हैं। क्या? नकदी, जेवर, सब कुछ। दिमाग खराब हो गया आप लोगों का? सिक्योरिटी ने आप लोगों को आने कैसे दिया? मैं भी फोन करती हूँ। उसने आप लोगों को आने कैसे दिया अंदर? ये क्या बदतमीजी है? बदतमीजी अभी की का है मैडम, बदतमीजी तो अब होगी। विशाल सलीम को फोन कर। ए, जेवर नकदी सब निकाल, नहीं तो छे की छे ठोक दूंगा, बता रहा हूं। जल्दी मैडम जल्दी, नहीं तो डाल दूंगा तेरे पेट में। ए, टाइम खोटी निकलने का टाइम नहीं है अपन के पास, निकाल निकाल। जल्दी निकाल, माल निकाल, कहां पर है? निकाल नकदी जेवर सब कुछ निकाल, बताओ नहीं तो ठोक दूंगा। जल्दी कर, नहीं तो पेट में डाल दूंगा चाकू तेरे को। मुंह बंद कर इसका। मुझे कुछ करना पड़ेगा, यहाँ से जाना पड़ेगा। तो उस कमरे में, मुझे उस कमरे तक जाना पड़ेगा। मुझे मम्मी को बचाना होगा। हाँ मुझे मम्मी को बचाना पड़ेगा। We'll be right back.
मुझे भी फोन लगा दिया। कमल, पापा को फोन लगाती हूँ। डायल किया गया नंबर इस वक्त पहुंच के बाहर है। चाबी किधर है? भैया लाल भैया, आप प्लीज हेल्प करो, ऊपर आके हेल्प करो, वो लोग मेरी मम्मी को मार रहे हैं। भैया लाल भैया सुनो ना। अरे अंतरा बेबी, आपके पास कोई दूसरा काम नहीं है क्या? हमेशा मस्ती में जाके मुड़वा रहती हो, मम्मी को मार डालेंगे। अरे मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। भैया लाल भैया, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, प्लीज मेरी बात सुनो, प्लीज हेल्प करो, प्लीज आप ऊपर आओ, मेरी मम्मी को बचाओ, बोलो मेरी मम्मी को मार रहे हैं। मजाक करती रहती हमेशा। प्लीज भैया लाल, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ ना। अंतरा अगर कोई मामूली लड़की होती तो चोरों के हत्थे छड़ के होती, और फिर क्या होता ये सोचना भी बहुत मुश्किल है। लेकिन नहीं, अंतरा खुद को लुटेरों के पकड़ से बचाने में कामयाब रही। अब उसके सामने बड़ी चुनौती थी, उसके सामने उसकी माँ गन पॉइंट पर थी, और सिक्योरिटी गार्ड को लग रहा था कि अंतरा मजाक कर रही है। आखिर अंतरा के पास क्या चारा था? कोई भी बच्चा इन हालात में डर जाएगा और उसे ये समझ में नहीं आएगा कि क्या किया जाए, और अंतरा भी डरी हुई थी। लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी, उसने अपने दिमाग पर काबू रखा। अरे भाई देखो, बच्ची चिल्ला रही है, सब सामान फेंक रही है, क्या हो रहा है? आपको देखना चाहिए ना। अंतरा बेबी, आप चिंता मत करो, हम अभी आ रहे हैं। चलिए, आप चिंता मत करो, आ रहे हैं हम। जल्दी निकलो। ए, क्या हुआ? अरे वो लड़की शोर मचा रही है, लोगों को इकट्ठा कर रही है, जल्दी करो। चुप कर, गोली चला दूंगा। अबे बोल क्या रहा, गोली चला रहा। अरे यार गोली अटक गई यार। अरे यार हम अटक नहीं जाए, भाग यार, चल। अरे लिफ्ट को क्या हुआ? ए लिफ्ट कट कर भाग यहां से, चल। दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो। कहीं इन लोगों ने मेरी मम्मी को हॉस्टेज तो नहीं बना रखा? कौन है? अंतरा, मैं हूँ। अंतरा दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो बेटा। अंतरा मम्मी जल्दी आओ। चलेगी अंतरा, ऊपर कुछ गड़बड़ा जल्दी।
बेहद सूझबूझ और हिम्मत से काम लेते हुए अंतरा ने ना सिर्फ अपनी माँ की जान बचाई बल्कि तीन चोरों को पुलिस के गिरफ्त में ला दिया। उसकी दिलेरी और हिम्मत दूसरे बच्चों के लिए मिसाल है। जिस तरीके से उसने मुसीबत के वक्त अपने आप पर काबू रखा और हालात का सामना किया वो वाकई काबिले तारीफ है। उसकी कोशिशों से तीन लुटेरे पकड़े गए लेकिन अंतरा का काम यहाँ खत्म नहीं हुआ। उसे पुलिस स्टेशन जाना था, चोरों को पहचानना था और उन्हें सजा दिलाना था, और चोरों को सजा दिलवाने के लिए उनका पहचाना जाना जरूरी था। तो यही वो कमरा था जो पहले मेरे मम्मी पापा का बेडरूम था। यहाँ पे बेड हुआ करता था मम्मी पापा का और उनकी अलमारी हुआ करती थी। अब ये ऑफिस हो गया है। ये जो खिड़की है देख रहे हैं आप, पहले इस खिड़की की हाइट यहाँ तक थी, लगभग काफी ऊंची थी, तो उस टाइम के हिसाब से मेरे लिए और भी ऊंची थी, तो काफी चढ़ के मुझे बुलाना पड़ा उनको। इस खिड़की से मैंने लटक के वॉचमैन को आवाज दी थी, बुलाया था, शोर मचाया था, जितने लोगों को मैं इकट्ठा कर सकूं मैंने शोर किया। जब ये सब पूरी घटना हो गई, वो लोग पकड़ में आ गए, फिर जो लोकल पुलिस थी हमारी उन्होंने फेलिसिटेट किया उसको। 26 जनवरी को जो बाल वीरता पुरस्कार मिलता है बच्चों को प्रेसिडेंट और प्रधानमंत्री के हाथ से, तो उसके लिए इसका नाम वहाँ पे चयन हुआ उसका। तो जब वहाँ से 14 नवंबर बाल दिवस जिस दिन होता है उस दिन वहाँ से हमें इन्फॉर्मेशन आई कि अंतरा का नाम उसके लिए सेलेक्ट किया गया है। हम लोग यहाँ से गए 26 जनवरी को, वहाँ पे बुलाया गया था हम लोगों को, और अंतरा को वहाँ पे 26 जनवरी जो परेड होती है उसमें हाथी पे बैठ के जब सब बच्चों के साथ निकली तो नेचुरली बहुत प्राउड फील हुआ। इस घटना को 6 साल हुए, अब अंतरा बड़ी हो चुकी है और वो फिल्म डायरेक्टर बनना चाहती है, लेकिन आज भी इस घटना की सारी यादें उसके और उसके माँ बाप के जहन में ताजा हैं। हमारे देश में तकरीबन 2 करोड़ ऐसे बच्चे हैं जिनके सर पर छत नहीं है, जिन्हें वो मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं, जिससे वो आगे बढ़कर देश का नाम रोशन कर सकें। बच्चे कल का भारत है, उन्हें मजबूत बनाएं, उनकी मदद करें ताकि हम और हमारा देश दोनों मजबूत रहे। हमारी अगली कहानी में हम आपको एक ऐसे हीरो से मिलवाएंगे जिसने दूसरों की जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी। फिलहाल मुझे यानी मधु को इजाजत दीजिए, फिर मिलेंगे। देखते रहिए वीर बालक।